पावर का डायमेंशन एल टू एम वन टी माइनस थ्री। देखो फिर पावर का डायमेंशन एल टू एम वन टी माइनस थ्री, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। अब एक बचा है हमारा ये प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमने ऑलरेडी देखा है, देखो सेवंथ नंबर पे, और एरिया ए हमने देखा है फर्स्ट नंबर पे। तो अभी हम फाइंड करेंगे फिर प्रेशर। तो प्रेशर भी हम बेटा पी से ही डिनोट करते हैं, हाँ पावर को भी पी से ही डिनोट करते हैं, प्रेशर को भी पी से डिनोट करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ क्योंकि जब पावर की बात आती है तो उसमें हम पी यूज करते हैं पावर के लिए, और जब भाई प्रेशर की बात आती है तो उस प्रेशर के इसमें हम पी यूज करते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो वो फिर पावर, पावर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो अगर मैं इसका यूनिट पूछूं तो फोर्स का क्या है बेटा, न्यूटन। ये देखो फोर्स का सेवंथ नंबर पे न्यूटन, ओके और एरिया, एरिया का तो फर्स्ट नंबर पे है, ये देखो मीटर स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ऐसा लिख सकते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर एक ही बात। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ये बेटा यूनिट हो गया किसका, प्रेशर का, हाँ सिंबॉलिक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म लिखना है तो फिर से वही, ये देखो न्यूटन, ये अपॉन यानी पर, और ये मीटर स्क्वेयर, ऐसा बोलो ये स्क्वेयर मीटर, तो फुल फॉर्म क्या हुआ बेटा न्यूटन पर स्क्वेयर मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। हाँ अब प्रश्न क्या बचा बेटा, प्रश्न बचा है डायमेंशन का। तो देखो डायमेंशन, हाँ तो मुझे एक बात बताओ कि फोर्स का डायमेंशन हमने फाइंड किया, मैंने बोला आपको ये बहुत काम का आता है, याद भी रखो। तो फोर्स का डायमेंशन है L1 M1 T माइनस टू, देखो हम ये लिख लेंगे फोर्स का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में L1 M1 T माइनस टू, ओके। और एरिया का क्या था बेटा, ये देखो एरिया का है हमारे पास L2 M0 T0, तो ये L2 M0 T0, ओके हाँ ओके। तो अभी हमें यहां से टोटल डायमेंशन फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया बेटा कि जब डिवीजन के टर्म हम जब न्यूमेरेटर में लेके जाते हैं तो ये पावर जो है वो माइनस होते हैं, ये प्लस है या पावर टू आप लेके जाएंगे तो माइनस, थोड़ा सोच के बताओ फिर। देखो यल यल यहाँ है, ओके ये सिंपल कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो सिंपल बेटा ये देखो यल वन यम वन टी माइनस टू, और इसको बेटा अप लेके गए तो ये यल प्लस टू का हो गया माइनस टू यम, अच्छा जीरो तो बेटा जीरो ही रहता है, उसमें कोई प्लस माइनस का तो कोई प्रश्न नहीं है। तो देखो अप लेके गए तो यल माइनस टू, और ये हम अप लेके गए तो जीरो का माइनस जीरो तो कोई मीनिंग नहीं मिलता, वो जीरो ही रहता है। तो क्या आएगा बेटा फिर बताओ, मैंने बताया आपको कि जब ये मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर की एडिशन, तो यल यल ओके, तो वन माइनस टू कितना आएगा बेटा माइनस वन, ओके फिर यम, ये वन यम का पावर वन और ये जीरो, तो वन प्लस जीरो वन ही आएगा, और टी ये माइनस टू, टी माइनस टू और ये टी जीरो, तो माइनस टू और ये जीरो माइनस टू ही रहेगा। तो ये आ गया बेटा पावर का डायमेंशन, क्या आया यल माइनस वन यम वन टी माइनस टू, देखो यल माइनस वन यम वन टी माइनस टू, ये आ गया बेटा डायमेंशन। तो ये पूरी टोटल कितनी क्वांटिटीज हुई बेटा 13। हमने बेसिकली इस पूरे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में क्या देखा कि उसकी हमने ये 13 क्वांटिटीज देखी, उनके यूनिट्स देखे और उनके डायमेंशंस हमने फाइंड किए हैं। ओके, तो ये 13 जो क्वांटिटीज है ये कौन सी क्वांटिटीज है बेटा, एरिया वॉल्यूम डेंसिटी तीन हुई, ओके फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन मोमेंटम छः हो गई,
उसके बाद में फोर्स इम्पल्स वर्क 9 हो गई, उसके बाद में क्या आती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद में पावर और प्रेशर। तो ये 9 + 4 ये होगी बेटा 13। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ 13 है क्या, नहीं, ये 13 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमें ज़्यादातर काम में आती है, लेकिन हमें सामने फिर उसको देखना है। टोटल 76 वो हमें सामने सामने के चैप्टर्स में फिर काम में आएगी और हम उसको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो ये बेटा हुआ सेकंड पार्ट, कौन सा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। एक तीसरी बची है बेटा, वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें से बेटा दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। है एक आता है प्लेन एंगल और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। सो देखो, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसका जो चार्ट है ये देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो कौन से क्वांटिटीज, प्लेन एंगल और दूसरा स्फेरिकल एंगल, या इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात है इनके यूनिट्स, कौन से यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। अब हम स्पेसिफिकली एसआई यूनिट की ही बात करेंगे जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टे रेडियन है। यह ध्यान दीजिए, स्टे रेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन। और फिर इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म यानी सिंबल्स, सिंबल यानी शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशन। तो रेडियन का ये रेड, दिस रेड, और स्टे रेडियन का, स्टे का यस और रेडियन का आर, यस आर। तो बताइए कितनी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या, रेडियन, शॉर्ट में हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रेड बोलते हैं, और दूसरा जो सॉलिड एंगल है उसका एसआई यूनिट स्टे रेडियन, सिंबॉलिक फॉर्म में शॉर्ट में उसको एसआर लिखा जाता है। अब हाँ, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कितने होते हैं, इनकी वैल्यू क्या रहती है, ये हम फाइंड करेंगे। तो अब हम आएंगे उसके फिगर्स के पार्ट पे। तो फिगर से हम देखेंगे कि प्लेन एंगल कैसे और सॉलिड एंगल कैसे। तो देखो बेटा, ये क्या है, आप बोलेंगे सर एक प्लेन शीट है, यस, और ये सर्कल, देखो ये सर्कल, ये सर्कल, ओके, अच्छा। तो ये जो अभी पहली फिगर है, यहाँ देखिए सिंपल वे से, अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हाँ, ये सेंटर ओ, और ये हमने ड्रॉ कर ली ये फिगर। तो आप मुझे बताओ, सेंटर पे यहाँ ये छोटा सा एंगल तैयार हुआ, ये देखो छोटा सा एंगल तैयार हुआ, ये छोटा सा एंगल डी थ्रेटा, और ये तो मालूम है आपको सर्कल की रेडियस, और ये जो आर्क तैयार हुई तो इसको हम नाम देंगे ए और इसको बी, ओके। तो आर्क की जो लेंथ, ये हम लेंगे डी एस, आर्क की लेंथ हमने लिए डी एस, ओके। तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल डी थ्रीटा, डी थ्रीटा यानी ये छोटा सा प्लेन एंगल। तो ये जो बेटा बनता है डी थ्रीटा एंगल, यानी ये आर्क, आर्क ये देखो ए बी, तो आर्क लेंथ ए बी ऑफ सर्कल,
अपॉन ये रेडियस। तो मुझे बताओ आर्क लेंथ ये ए बी, आर्क लेंथ ए बी, हाँ ये लगे तो मैंने ए बी यहां से हटा लिया, ओके सिंपल। इसमें क्या हुआ आर्क लेंथ ऑफ सर्कल कितनी है बेटा, ये ए बी, और रेडियस कितना है बेटा आर। सो डी थ्रीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन आर, ए बी अपॉन आर, यानी ही डी थ्रीटा इक्वल टू ए बी, यानी ये डी एस बाय आर। सो डी थ्रीटा इक्वल टू डी एस बाय आर। तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम रेशो के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। रेशो यानी धिस अपॉन धिस, धिस अपॉन धिस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखो। अच्छा इसको डिफाइन करने के पहले एक मैं आपको सिंपल वे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइए ये ए अपॉन बी कैसे पढ़ते हैं हम इसको, ए अपॉन बी ऐसे पढ़ते हैं, ओके सिंपल वे में। लेकिन मैं अभी आपको दो अलग टेक्निक बताने जा रहा हूं, वो ध्यान दीजिए। तो ये ए अपॉन बी को फिजिक्स की टेक्निक में बोला जाता है रेशियो ऑफ ए टू बी। फिर से देखो हाँ, रेशियो, रेशियो किसका, ऑफ ए टू बी, रेशियो ऑफ ए टू बी। जब हम रेशियो शब्द यूज करते हैं बेटा तो ये डिवीजन को टू से हम बोलेंगे, टू से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, रेशियो ऑफ ए टू बी, या दूसरा जो है इसको कैसे पढ़ते हैं, ए पर यूनिट बी। देखो बेटा ये ए अपॉन को पर यूनिट बोला जाता है, तो ए पर यूनिट बी। तो फिर मुझे बताओ इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे प्लेन एंगल को, ये डी थ्रीटा प्लेन एंगल। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज, हाँ प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशो, रेशो है ना, ये देखो रेशो किसका रेशो बेटा, रेशो हाँ ऑफ आर्क ऑफ, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। फिर से प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सर्कल टू, हाँ डिवीजन ये बताया मैंने टू, टू हाँ रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या डेफिनेशन हुई बेटा बताओ, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज, इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो d थ्रीटा हुआ बेटा ds बाय r। अच्छा तो ये एंगल बेटा d थ्रीटा। अच्छा मैंने अगर आपको पूछा कि ये पूरा एंगल कितना, ये टोटल, तो आप कितना बताएंगे, देखो ये जो है ये 90 डिग्री यानी बेटा पाई बाय टू, ये वाला भी तो आप बोलेंगे सर पाई बाय टू, ये वाला भी तो आप बोलेंगे सर पाई बाय टू, और ये वाला भी पाई बाय टू। तो पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, टू पाई। कितना आएगा टोटल एंगल, टू पाई, मतलब ही 90 90 90 90 यानी 360। तो 360 डिग्री आता है, अपने को डिग्री में नहीं चाहिए रेडियन में चाहिए। तो टोटल एंगल जो हुआ बेटा वो पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू यानी 2 पाई हो गया बेटा। सो छोटा सा एंगल डी थ्रीटा इक्वल टू डी एस बाय आर, ओके। और जब हम इसका टोटल जो एंगल फाइंड करेंगे, टोटल एंगल तो कितना आता है बेटा, देखो पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू। अच्छा वो आता कैसे है वो हम देखेंगे। तो देखो टोटल एंगल, देखो छोटा सा एंगल था तो ये डी थ्रीटा,
टोटल एंगल ये फाइंड करना है तो फिर डी थ्रीटा नहीं, फिर हम लिखेंगे थ्रीटा। तो टोटल एंगल थ्रीटा इक्वल टू, अच्छा देखो बेटा ये अभी डीएस, तो पूरा लेंगे तो पूरा ये सरकमफेरेंस बेटा, तो कितना होता है बेटा सर्कल का सरकमफेरेंस बताओ, तो आप बोलेंगे सर 2πr। अच्छा तो डीएस की जगह टोटल रहेगा 2πr अपॉन बेटा ये आर, तो आर आर क्या हो गया कैंसल, तो टोटल एंगल कितना आ गया बेटा 2π, और यूनिट तो आपको मालूम है रेडियन, शॉर्ट में लिखा रेड। तो ये होता है बेटा टोटल प्लेन एंगल, तो टोटल प्लेन एंगल होता है 2π, और अगर हमें छोटा सा एंगल चाहिए उसका डी थ्रीटा, तो वो होता है डी थ्रीटा इक्वल टू ये डीएस अपॉन आर। नाउ वी विल सिक्योर टू नेक्स्ट एंगल दैट इज सॉलिड एंगल, वो भी हम इसी प्रकार से फाइंड करेंगे लेकिन उसकी टेक्निक थोड़ी अलग है। ओके 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 बेटा ये क्या है बताइए, ये स्फीयर है ना, स्फीयर स्फीयर ये एक स्फीयर है। ओके ये बेटा एक प्रकार से स्फीयर है। ओके अभी ध्यान दीजिए, ये पूरा स्फीयर है। अब इस स्फीयर का ये देखो हमने ये पार्ट क्या किया, कट किया, बराबर ध्यान दीजिए हमें इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो ये पूरा स्फीयर था बेटा, तो इस स्फीयर का देखो हमने क्या किया, ये पार्ट क्या किया कट किया, ये जो पार्ट देख रहे हैं बेटा ये पार्ट है वो ये वाला दिस, ये जो कट किया ना स्फीयर का, और ये पूरा स्फीयर, ये टोटल स्फीयर, और इसका ये जो पार्ट कट किया बेटा ये पार्ट है। हाँ ओके सो हमें ये सॉलिड एंगल देखना है पहले इस इतने पोर्शन का, और फिर पूरे के पूरे वो स्फीयर। अच्छा स्फीयर क्या है बेटा, स्फीयर एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी जिसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल बॉडी। और इसके पहले हमने क्या देखा था सर्कल, सर्कल एक बेटा प्लेन बॉडी है जिसको बोला जाता है टू डायमेंशनल बॉडी, सर्कल टू डायमेंशनल क्योंकि उसमें दो ही एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई दो एक्सिस, इसलिए टू डायमेंशनल फिगर है। स्फीयर के थ्री डायमेंशनल है क्योंकि इसमें तीन एक्सिस होते हैं एक्स वाई और ये जेड, ऐसे तीन एक्सिस होते हैं इसलिए वो थ्री डायमेंशनल फिगर। तो वो पार्ट जो सामने के चैप्टर्स में आएगा तब हम डिटेल में देखेंगे, अभी तो हमें सॉलिड बॉडी का एंगल फाइंड करना है और उसके पहले उसके पोर्शन का एंगल फाइंड करना है। तो ये पोर्शन हमें देखो दिस पोर्शन, अच्छा इसके पहले देखो हमने ये प्लेन एंगल देखा, प्लेन एंगल अब यही मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ध्यान दो, यही सिंपल वे में मैं यहाँ अगर ड्रॉ करूँ देखो ये सेंटर हो, ये एबीसी आर्क आपको मालूम है ये एंगल, तो अभी इसी को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं तो वेरी सिंपल इतना, ये जो पोर्शन है
सरफेस का उसका एरिया, तो क्या होगा बेटा बी ओमेगा इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर अपॉन, हाँ ये जो आप रेडियस देखते हैं यहां से रेडियस रहता था डिवीजन में, आप यहां बेटा ये रेडियस का स्क्वायर यहां आएगा डिवीजन में स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये जो रेशियो है बेटा इस रेशियो को बोला जाता है क्या सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू ये रेशियो दिस रेशियो एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर पूरे स्फीयर का ये जो छोटा सा पोर्शन है इसका एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये है जो छोटा सा पोर्शन है तो उसका एरिया मिलेगा बेटा ds और रेडियस तो r है उसका स्क्वायर क्या रहेगा r स्क्वायर, तो ये d ओमेगा इक्वल टू d ओमेगा इक्वल टू da बाय r स्क्वायर da बाय r स्क्वायर। अच्छा तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो आप कैसे डेफिनेशन बताएंगे रेशियो के रूप में जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी रेशो के रूप में इसके लिए, हाँ तो ये डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो हम लिखेंगे देखो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रेशो किसका दिस एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर और ये डिवीजन है मैंने पता है रेशियो के रूप में डिवीजन को टू बोलते हैं टू ये बेटा स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो सिंपल डेफिनेशन होगी क्या होगी बताओ कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज क्या द रेशो रेशो किसका ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर ये डिवीजन यानी टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये है इसकी डेफिनेशन ये फॉर्मूला। अच्छा अगर अभी हमें ये जो पूरा स्फीयर है ये जो पूरा स्फीयर है बेटा ये पूरे स्फीयर का अगर हमें सॉलिड एंगल हमने अभी जो एंगल फाइंड किया वो क्या किया सिर्फ इस पोर्शन का फाइंड किया इस पोर्शन का। अभी अगर हमें ये पूरा इसका सॉलिड एंगल फाइंड करना है टोटल सॉलिड एंगल फाइंड करना है तो ये तो हो गया बेटा डी ओमेगा पूरा अगर हमें फाइंड करना है तो देखो टोटल एंगल हाँ टोटल एंगल हम सिर्फ अभी ओमेगा से डिनोट करेंगे छोटा सा रहा तो नहीं ओमेगा पूरा रहा तो ओमेगा इज इक्वल टू। अच्छा तो पूरा एंगल फाइंड कर रहे हैं तो पूरा स्फीयर जो पूरा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना होता है एक लेवल में आपने देखा तो स्फीयर का पूरा एरिया होता है 4 बाय r स्क्वायर मैं लिख लेता हूं यहां एरिया रादर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन आर स्क्वायर तो ऐसे ही सरफेस एरिया कितना बेटा स्फीयर का 4 बाय आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल तो ये आ गया बेटा 4 बाय और यूनिट तो मैंने बताया था ये सॉलिड एंगल का स्केल रेडियंट रहता है शॉर्ट में हम इसको एसआर लिखते हैं तो टोटल एंगल आ गया बेटा 4 बाय इसका टोटल एंगल क्या आया था 2 बाय और मतलब लेंथ बॉडी के लिए सॉलिड बॉडी के लिए टोटल एंगल कितना बेटा 4 बाय।